तो देखो बेटा, तो आज जपाना करना था, कुछ न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे, मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड डिफरेंट टॉपिक्स के नाल रिलेटेड है, जो भी अपन हम तक डिस्कस कर चुके हैं। जितना कि बेटा जरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट कैपिटल एच रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 1.2 √gh, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, है ना। उन एक्चुअली जो ये टॉपिक है, न्यूमेरिकल है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट कैपिटल एच रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 1.2 √gh, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। तो ये बेटा बॉडी ड्रॉप की है, तो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, और जब वो ग्राउंड से पहुंची है तो उसकी फाइनल स्पीड गिवन है। इट मीन्स सानू उसकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी नोन है। हुण इत्थे अगर आपां इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन लई कंसेप्ट अप्लाई करदे हां, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये जिहड़ा कंसेप्ट है, इहदे अकॉर्डिंगली अगर इनिशियली बॉडी ए पे है और फाइनली बॉडी बी पे पहुंची और बी पे उसकी वेलोसिटी है 1.2 √gh, और ए टू बी उसकी डिस्प्लेसमेंट है एच, तो इस केस में बेटा जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की गल करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट है टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब, हम देखो जदों बॉडी ए तो बी आ रही है, इसे एक तो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी है फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। तो इट मीन्स जदों बॉडी ए टू बी आएगी तो टोटल वर्क डन एक होएगा बाय द ग्रेविटी, दूसरा है बाय द एयर रेजिस्टेंस, ये होएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हुण बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी तुसी निकाल सकते हैं कितना, क्योंकि ये जड़ी हाइट इन्वॉल्व है, आ वाली हाइट इन्वॉल्व है, ये काफी घट होने का मतलब है कि असी मान सकते हैं कि फ्रॉम ए टू बी जो ग्रेविटी फोर्स है दैट इज कांस्टेंट, और कितनी है कांस्टेंट ग्रेविटी, एम जी वेट के बराबर। तो ए टू बी जो बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स है वो एम जी है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है एच के बराबर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया एम जी एच, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ये निकालना हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये इनिशियल है, तो फाइनल बन गई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, इनिशियली रेस्ट पे है काइनेटिक। तो हुण इथों डब्ल्यू ए आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर दी वैल्यू, माइनस, और इन सॉल्व करके थोड़ा आंसर आ जाएगा ना 0.72 mgh, माइनस mgh 0.28, दिस इज द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो इस कंसेप्ट में असी वर्क एनर्जी थ्योरम के बिहाफ से सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, सेकेंड न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट नोट करिएगा, और नंबर मैं थानू ये सेंड कर दांगा ना, फिर वो अकॉर्डिंगली तुसी स्टेटमेंट नोट कर लेना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जस्ट सुन लो और नंबर नोट कर लियो, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इफ द ब्लॉक मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट टाइम 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट एंड वट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग द 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट। हम फर्क समझियो बेटा, ये लास्ट टाइम भी थोड़ा दसिया कि एक है पावर इंस्टेंटेनियस, एक है एवरेज पावर। तो कंडीशन की है बेटा, कंडीशन है कि थोड़े सामने एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और जेडी बॉडी इसके ऊपर प्लेस है उसका मास गिवन टू बी 2 kg और इनू अपन ऊपर फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं और इसकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज गिवन टू बी 1 m/s। अपन निकालना की है फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स, तो F निकालना पड़ेगा। F निकालने लिए पहला तो कुछ वेरियस फोर्सेस ड्रॉ करूंगे बेटा। तो ये 30 डिग्री है तो mg cos 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री। हम इधर विच n mg cos नो बैलेंस कर लेगा और नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऊपर में होने करके मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन 30, तो एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी साइन 30। तो एम की वैल्यू थानू दी हुई है 2, एक्सेलरेशन है 1, 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 हाफ, तो 12 न्यूटन अप्लाइड फोर्स आ गई ना। और एक्चुअली वो की कह रहा कि व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट टाइम 4 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, है ना। रेस्ट के बाद बॉडी में 4 सेकेंड बाद पावर, तो मतलब 4 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी चाहिए है बेटा। तो उसके लिए थानू फार्मूला पहला था वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी कितना निकालनी है इतों, तो टाइम 4 सेकेंड है तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू 1 इनटू 4, तो पावर आ जाएगी एफ वी कॉस थीटा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन से है तो कॉस 0 आ गया, तो 12 × 4 = 48 न्यूटन, है ना। खुद दूसरा फर्क समझो, उन्होंने क्या कि व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट, तो ये पावर है 4 सेकेंड भी, तो दूसरी एवरेज पावर है 0 to 4 सेकेंड तक भी। और एवरेज पावर निकालने लिए बेटा तुसी वर्क डन ओवर टाइम टेकन, टाइम टेकन का 4 सेकेंड है बट ये जिहड़ा वर्क है ये ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड निकालना, तो उसके लिए थानू डिस्प्लेसमेंट चाहिए है यूटी प्लस, तो 0 + ½ × 1 × 4² तो 8 m आ गई ना। तो इस करके हम वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा 4 और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होने करके कॉस 0 1 है तो फोर्स है 12 एस 8, तो वर्क आ गया। तो इतने पुट करता सी 96, तो 24 आंसर आ गया ना बेटा, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए थानू, है ना, कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर को किस तरह कैलकुलेट करना। इन फॉलो कर रहे हैं बेटा, हम देखो थर्ड है टू
सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंटेन वाटर अप टू हाइट एच वन एंड एच टू एंड द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट लेवल्स इन देम बिकम इक्वल कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द प्रोसेस डेंसिटी। पहला एक गल सुनो पुत्र, एक कंसैप्ट जरा थानू पता होना चाहिए, लिसन। नो डाउट डिटेल दे विच असी इस कंसैप्ट नू दोबारा भी पढ़ांगे, बट इत्थे प्लस वन तुसी सुनिया होएगा सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअली बेटा जिन्हें भी मैकेनिक्स दे रिजल्ट्स है वो नॉर्मली पॉइंट ऑब्जेक्टली एप्लीकेबल होंगे, मतलब सिंगल पॉइंट ले। बट रियलिटी दे विच साडे कोल एक्सटेंडेड बॉडीज एग्जिस्ट कर दी है ना, बॉडीज एग्जिस्ट कर दी है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो जदों असी फिजिक्स दे वो रिजल्ट प्रिंसिपल्स इक्वेशन अप्लाई करने हैं तो उहदे लई असी उस एक्सटेंडेड बॉडी नू ना लाइक ए पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। पर वो पॉइंट लेना कित्थे है, तां वो आपां मानदे हैं कि हर बॉडी दे अंदर एक इदां दा पॉइंट है जिथे असी मान सकते हैं कि उस बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड है, तो उस पॉइंट नू असी सेंटर ऑफ मास कहने हैं। हुण हुंदा की है बेटा, एक्चुअली किसी भी बॉडी के अंदर उसका सेंटर ऑफ मास कित्थे होएगा वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी के अंदर डिफरेंट मासिस की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई। पर अगर थोड़े सामने किसी भी बॉडी के अंदर मासिस की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर बेटा तुसी उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर नू उहदा सेंटर ऑफ मास मान सकते। ये रिजल्ट याद रख लेना कि अगर थोड़े सामने जिहड़ा सिस्टम है, बॉडी है, अगर वो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस यूनिफॉर्म है तो फिर आप उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर नू ही उसका सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास दो डिफरेंट पॉइंट। हो बेटा, और ये गल हमेशा याद रखो कि जब तक थानू किसी भी बॉडी की अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस नू स्पेसीफाई नहीं किया गया तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही अपने वालों मननी है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस ही है। जिस कारण करके नॉर्मल सरकमस्टांसिस दे विच बॉडी का सेंटर ऑफ मास ते उहदा ज्योमेट्रिकल सेंटर हमेशा सेम होगा। हो बेटा, जदों आपां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की गल करते हैं ना, एम जी एच, तो एम जी एच एम की है पार्टिकल का मास, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच की है उस पार्टिकल की हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। तो हुण अगर मान लो साडे सामने एक रॉड है या कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, तो किसी भी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एमजीएच एच पता की लेना उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। एम जी एच ये जरा फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ये जरा फार्मूला है, ये बेसिकली पार्टिकल लिए एप्लीकेबल है। पर जो आप इन्हों किसी बॉडी अप्लाई करते हैं तो एम जी एच एम की हो गया बॉडी का मास, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट एच की है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की हाइट। ये याद रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी में तुसी एक पॉइंट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और उस बॉडी नू जदों असी इक्विवेलेंट टू पॉइंट मानते हैं तो वह पॉइंट बॉडी के अंदर जिथे लाई करता उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होंगे। तो ये जी डिस्कशन मैं कर रहा इनू हूँ भुलना नहीं है, इनू अगे भी एक्सटेंड करांगे सेपरेटली टॉपिक्स, पर इसे भी याद रखना है ना। हुण थर्ड केस दे विच, थर्ड न्यूमेरिकल च एक्चुअली की गिवन है थानू, टू सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो आ एक वेसल है बेटा और आ एक वेसल है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है ना आपस च, ये दोनों वैसल्स इंटरकनेक्टेड है। तो मान लो इतने वाल्व लगा हुआ, वो आप हाले क्लोज किया हुआ, हम वो की कह रहा है कि एक कंटेनर दे विच लिक्विड की हाइट h1 है
और दूसरे कंटेनर च लिक्विड दी हाइट एच टू है। जब असि इस वाल्व नू ओपन करांगे खोलांगे तां ए लेवल नीचे नू आएगा और ए लेवल राइज करेगा और फाइनल सिचुएशन की हो जाएगी दिस वन। तो फाइनल सिचुएशन ये होगी। ठीक बेटा आप की कह रहे हैं, मैंने कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हम इतने थानू गल की याद आनी चाहिए है, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी। जब भी वर्क डन सुनते हैं ना तो साढ़े दिमाग च फोर्स डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा आ जाता है ना, वो नो डाउट बेसिक फार्मूला है, बट वर्क डन असि डिफरेंट सिचुएशन च डिफरेंट वेज कर सकते हैं। जिदा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उतों भी निकाल सकते हैं, पर इतने अपन जो वर्क डन करना वो है वर्क डन बाय ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी इज ए कंजरवेटिव फोर्स, और कंजरवेटिव फोर्स का वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा हम पहला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है अपना ना, हम देखो इस कंटेनर के विच जेड़ा मास है, मास के बराबर है इस कंटेनर च इनिशियली, तो इनिशियली मास आ गया एच वन इंटू ए वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास जी, और हाइट कितनी लेनी है पोटेंशियल एनर्जी लई, इहदा सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास किसे लेना होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट की हाइट की वजह नहीं पुत्र एच वन बाय टू। तो इस कंटेनर की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और यदि एच टू के रो जी एच टू बाय टू, तो ये दोनों मिला के हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल में की करना, फाइनल दोनों हाइट एच हो चुकी है, तो एक साइड फाइनल एच ए रो जी एच बाय टू इन्हें डबल कर देना ना, तो फाइनली जी है हाइट एच रह गई, और इस करके सेंटर ऑफ मास एच बाय टू होगा। तो एक कंसेप्ट थानू पता होना चाहिए। हम बेटा एच और एच वन एच टू का की रिलेशन है, एच ये कितना आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मतलब जिन्ना टोटल मास इतने है प्लस जिन्ना टोटल मास इतने है, तो आफ्टर ट्रांसमिशन टोटल मास बराबर ही रहना ना उतों आया, और एच एच वन प्लस एच टू बाय टू है। तो तुसी हुण यू आई यू एफ इतने पुट करके वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल सकते, और एच डी वैल्यू तुसी एच वन प्लस एच टू बाय टू पुट कर लें। इस पर समझ आई है पुत्र? आर्यन एकम अंकुर मोहनदीप देखो बेटा, तो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड थी, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कंसेप्ट भी सेम ही है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल मास एंड ओवरहैंग विद स्मूथ टेबल विद इट्स टू थर्ड पार्ट लाइंग ऑन द टेबल। आ देखियो गल सुनी होगी, आ थोड़ा टेबल है, तो ये एक चेन लाई कर रही है, और इस चेन का जोड़ा टू थर्ड पार्ट है लाइंग ऑन द टेबल, मतलब जोड़ा आ वाला पार्ट है वन थर्ड हो गया, ये टू थर्ड है ना, तो हम आ जोड़ा वन थर्ड है गल सुनियो पुत्र, आ जोड़ा वन थर्ड है यदि लेंथ भी वन थर्ड है
ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ 1/3 ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਸ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਉਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਨ ਹੈ ਬਟ ਟੇਬਲ ਸਮੂਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੇਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੋ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੇਨ ਇਨ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਜੀ ਐਸ, ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੀਨਸ ਆਹ ਐਲ ਬਾਏ ਸਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਸ ਜੀ ਔਰ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਡੈਪਥ, ਤੋ ਆਹ ਡੈਪਥ ਐਲ ਬਾਏ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਤੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੇਂਜ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਾਈਨਲ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਂਸਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਤੋ ਇਹ ਵੇ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਜੋ 5 ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਾ ਟੂ ਬਲੋਕ ਇਨ ਐਨ ਅਟਵੁੱਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਵ ਮਾਸਿਸ 2 kg ਐਂਡ 3 kg, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ 4th second ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੂ ਬਲੋਕਸ ਇਨ ਐਨ ਐਟਵੁੱਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਵ ਮਾਸਿਸ 2 kg ਐਂਡ 3 kg, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ 4th second ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਟਵੁੱਡ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੋ ਐਟਵੁੱਡ ਮਸ਼ੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਤੋ ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ, ਇਸ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਮਾਸ M2 ਹੈ ਔਰ ਆ ਮਾਸ M1 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਤੋ M1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 kg, M2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 kg। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਹੈਵੀਅਰ ਮਾਸ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਈਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਐਕਸਟੈਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾ,
ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, M2 ਮਾਈਨਸ M1 ਓਵਰ M1 ਪਲੱਸ M2 ਇੰਟੂ G। ਤੋ M1 M2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ A ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਨ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਨ 4th ਸੈਕਿੰਡ। ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ 4th ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ 4th ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਤੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ 4th ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਐਨ ਐਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਪਲੱਸ ਏ ਬਾਏ 2 ਇੰਟੂ 2n ਮਾਈਨਸ 1। ਤੋ ਯੂ 0 ਹੈ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਐਨ 4 ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ 4th ਸੈਕਿੰਡ। ਤੋ ਇਹ ਐਨ ਐਫ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ M1g, ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ M2g, ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਡਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ M1g F4 ਪਲੱਸ, ਆ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਸੇਮ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਏਕਮ? ਮੋਹਨਦੀਪ, ਅਰਸ਼ੀਆ ਗੁਲਾਟੀ, ਅੰਕੁਰ, ਆਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਿਕਸ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ ਔਨ ਏ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰਿਜ। ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ ਔਨ ਏ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰਿਜ। The coefficient of friction between the tire and road is 1. Show that one cannot drive through the bridge in less than 10 seconds. Listen good. When a car, jedi ki initially rest te hai, U0 hai, ode naal assi half kilometer long bridge nu cross karna, to kuch time lagega. Aur oh time aapa kitna nikal sakte hai beta? S is equal to UT plus half AT square, और S भी value है half kilometer long, मतलब 500 meter, rest पे है, हुन उस bridge नू cross करने लिए कितना time लगेगा, वो कौन decide करेगा? acceleration of the car। हुन एक बार सुनो, कुछ नोट कर लो, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਟਾਇਰ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
बॉडी जी है वो फ्रिक्शन दे करके एक्सेलरेट हो रही है होरिजोंटल सरफेस से, या फ्रिक्शन दे करके रिटार्डेशन हो रही है होरिजोंटल सरफेस से, तो उस केस च उस कार भी या उस बॉडी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन होगी म्यू एस जी और रिटार्डेशन हो जाएगी माइनस म्यू एस जी। ये रिजल्ट है क्यों, क्योंकि हमें समझ होनी चाहिए है होरिजोंटल सरफेस से जी बॉडी है ना उसे एक ना उसका वेट एक्ट कर रहा है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन इस तरफ है ना, तो उस वजन दी है। जे बॉडी नो मोशन स्टार्ट हो रहा तो फ्रिक्शन उसके मोशन नो सपोर्ट कर दी है, फिर तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाती है, ये काइनेटिक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जी फ्रिक्शन है, तो मतलब अगर ये कार राइट नो जाना चाहती है तो इसमें कौन अगे नो भेज रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी लिमिटिंग के बराबर होगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए बराबर है म्यू एस एन, तो म्यू एस एम जी। तो टायर टायर और ग्राउंड के बीच जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो कार को रेस्ट को मोशन च पुट कर रही है, ये याद रखना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की हो गई एम ए इज इक्वल टू एफ एल, एम एम कैंसल आउट, तो ए इज इक्वल टू, मतलब कहना ये पुत्र देखो जिन्ना तुसी ये याद किया ना कि जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो एक्सेलरेशन स्मॉल जी है वर्टिकली डाउनवर्ड, उतना ही हमेशा याद रखो जब भी कोई बॉडी होरिजोंटल सरफेस से ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सेलरेट हो रही है या रिटार्डेशन सफर कर रही है तो उसकी वैल्यू म्यू एस जी है, एक्सेलरेशन प्लस और रिटार्डेशन माइनस। तो हम थानू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा कितनी दिखती हुई है इस न्यूमेरिकल च, तो म्यू एस दिता हुआ वन, तो इसका मतलब 500 मीटर इज इक्वल टू हाफ, तो म्यू एस जी टी स्क्वायर, तो 1000 इज इक्वल टू आ वन है ना, आप मल्टीप्लाई करता क्रॉस जी 10 है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, टी इज इक्वल टू, हम ये टाइम कदों लगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है लिमिटिंग के बराबर है, तो उस वक्त अगर टाइम टाइम सेकंड है तो अगर टायर और ग्राउंड के बीच लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह स्टैटिक फ्रिक्शन घट है लेस देन है तो फिर टाइम होर भी ज्यादा लगेगा, मतलब घट्टो घट टाइम उसको 10 सेकंड का लगेगा। एक कंसेप्ट बारे समझ आई है गल पुत्र, तो इतना करो मीटिंग नू एंड करके ना रीज्वाइन कर लो। ऊपर लगे हैं मुंह पाउंदे रहेंगे तू की करिए ना।